Welcome. Good morning, all dmlt students. तो आज के लेक्चर में अपन क्या डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कि टुडेज लेक्चर ऑन डीएनए वायरस, यानी क्या डीएनए के अंदर कौन से वायरस आते हैं, उनके ऊपर क्या है अपन डिस्कस करेंगे। तो एक तो क्या है आरपीज वायरस और क्या है एडिनो वायरस, इन दोनों पे क्या है आज का लेक्चर। अपन क्या है आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आरपीज वायरस के अंदर क्या क्या होता है और एडिनो वायरस के अंदर क्या क्या होता है, कौन सी क्या उनकी स्ट्रक्चर है, क्या उनकी मॉर्फोलॉजी है और किस तरीके से उनको डिटेक्ट कर सकते हैं लैब के अंदर। हर्पीज वायरस के अंदर देखिए कि हर्पीज वायरस किससे बिलोंग करता है, कौन सी उसकी फैमिली है, क्या उसकी स्ट्रक्चर है, क्या उसकी मॉर्फोलॉजी है और किस तरीके से अपन डिटेक्ट करते हैं। तो हर्पीज वायरस के अंदर देखिए हर्पीज वायरस हर्पीज वायरस आर इंक्लूडेड इन द फैमिली हर्पीज वायराई व्हिच हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री सब फैमिली, यानी हर्पीज वायरस की जो फैमिली है वो किसके अंदर इंक्लूडेड है, हर्पीज वर्डाई के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, वो क्या है हर्पीज वर्डाई, वो किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, उसकी जो थ्री सब फैमिली है यानी उनकी छोटी जो क्लासेस है उनको तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। हर्पीज वायरस इज द फैमिली ऑफ वायरस कंटेन हंड्रेड ऑफ वायरस मैक्सिमम ऑफ विच इन्फेक्ट ह्यूमंस, यानी क्या है कि हर्पीज वायरस इज द फैमिली ऑफ वायरस, यानी हर्पीज वायरस है वो क्या है वायरस की फैमिलीज है, यानी क्या है उनका संगठन है जिसको अपन डिस्कस करते हैं। कंटेन हंड्रेड ऑफ वायरस यानी जिसके अंदर क्या है हंड्रेड वायरस इंक्लूड होते हैं, यानी सौ के समथिंग क्या है वायरस इंक्लूड होते हैं। विच ऑफ यानी मैक्सिमम ऑफ विच इन्फेक्ट द ह्यूमन, जिनके अंदर से ज्यादा क्या है किसको इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमन को। नेक्स्ट देखिए, दे आर कैरेक्टराइज बाय देयर एबिलिटी टू एस्टेब्लिश latent infection enabling the virus to persist identifiably within the host and to undergo periodic reactivation. So, dekhiye they are characterized by the abilities of establish latent infection, yani unki jo category hai wo kis cheez pe based hai, kis cheez ke upar depend hai ki wo kis tarike ka infection cause karte hain humans ke andar. Enabling the virus to persist, identify, यानी क्या है वो enable किस तरीके से होते हैं और वो क्या है किस तरीके से identify किए जाते हैं within the host, यानी host के अंदर उनको किस तरीके से तो अपन identify कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं उनका और किस तरीके से क्या है उनको enable कर सकते हैं to undergo periodic reactivation और उनको क्या है किस तरीके से क्या है reactivate किया जा सकता है, वो सारे क्या है अपन इस वायरस के अंदर पढ़ेंगे, यानी किस तरीके से क्या है उनकी periodic phase रिएक्टिवेट होती है। शुरू से देखिए एक बार, हर्पीज वायरस आर इंक्लूड द फैमिली हर्पीज वर्डाई, यानी हर्पीज वायरस की जो फैमिली है वो किसके अंदर इंक्लूड है हर्पीज वर्डाई के अंदर इंक्लूड है, विच हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री सब फैमिलीज, और जिनको अपन क्या है तीन प्रकार की सब फैमिलीज के अंदर क्या है डिवाइड कर सकते हैं, यानी हर्पीज वायरस की क्या है तीन प्रकार की फैमिलीज है जिनको क्या है अपन स्ट्रक्चर के बेस पे मॉर्फोलॉजी के बेस पे और वो कौन से ह्यूमंस को या फिर एनिमल्स के अंदर क्या है कौन सी कैटेगरी को या फिर प्लांट्स के अंदर कौन सी कैटेगरी को इन्फेक्ट करते हैं उनके ऊपर बेस क्या है उनको क्लासिफाई करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, हर्पीज वायरस इज द फैमिली ऑफ वायरस, यानी हर्पीज वायरस जो है वो क्या है एक वायरस की फैमिलीज है, यानी वायरस की क्या है एक फैमिली है परिवार है। कंटेन हंड्रेड ऑफ वायरस यानी जिसके अंदर क्या है अपन हंड्रेड वायरस को इन्वॉल्व करते हैं, यानी समथिंग क्या है अगर अपन क्या है संभावना देखें क्या उसमें 100 वायरस इन्वॉल्व है। मैक्सिमम ऑफ विच इन्फेक्ट ह्यूमन और जिसके अंदर से क्या है मोस्टली जो है ज्यादातर क्या है किसको इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमंस को। दे आर कैटेगराइज बाय द देयर एबिलिटी ऑफ एस्टैब्लिश लेटेंट इन्फेक्शन, यानी वो क्या है अपनी एबिलिटी की यानी काबिलियत के अकॉर्डिंग क्या है ह्यूमंस को इन्फेक्शन देते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं यानी क्या है उनमें डिजीज कॉज करते हैं।
enabling the virus to persist identifiably. Okay, acquires virus within the host and to undergo periodic reactivation. Okay, acquires virus kya host ke andar enable bhi ho jate hain unki activity ke according, aur kuch virus kya unke andar reactivate bhi ho jate hain unki activity ke according, yani periodic reactivation, yani kya hai unme reactivation ho jata hai pratikriya ke according. नेक्स्ट देखिए मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीवी वायरस, यानी क्या है आरबीवी जो वायरस है उनकी स्ट्रक्चर क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, वो किस पे डिपेंडेंट है, उनकी शेप एंड जो मॉर्फोलॉजी यानी संरचनात्मक जो इकाई है और जो क्रियात्मक इकाई है वो किसके ऊपर डिपेंड है, अपन वही देखेंगे. देखिए आरबीज वायरस इज स्फेरिकल एंड एनवेलप्ड वायरस कंटेनिंग इकोसेट्रल कैप्चर्ड. यानी आरबीज जो वायरस है वो कैसी शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप के यानी सांप की जैसी आकार के होते हैं, और एनवेलप्ड वायरस यानी उनके ऊपर क्या है कोट पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, कंटेनिंग इकोसेट्रल कैप्चर्ड. और जो क्या किस प्रकार की आकृति का होता है इकोसेट्रल कैप्चर्ड, यानी क्या है इकोसेट्रल आकृति का होता है जिसमें कैप्चर्ड यानी आवरण किस तरीके का पाया जाता है, इकोसेट्रल शेप का पाया जाता है. नेक्स्ट द कैप्चर्ड इज कंपोज्ड ऑफ 162 कैप्सोमर. और जो उनके ऊपर कैप्चर्ड पाया जाता है यानी जो आवरण पाया जाता है वो किन से मिला होता है, 162 यानी क्या है 160 प्लस में दो यानी 162 कैप्सोमर का मिलकर बना होता है. यानी उसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड की यूनिट पाई जाती है वो कितनी होती है 162. कंपोज्ड एंड एनवेलप कैरियर सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक. और उनके अंदर जो एनवेलप पाया जाता है उसके अंदर क्या पाया जाता है कि उनके सरफेस पे क्या स्पाइक्स पाए जाते हैं यानी कांटेनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है जो किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है. नेक्स्ट देखिए साइज क्या है उसकी, 100 to 200 nm डायमीटर. यानी क्या है जो हर्पीज वायरस है उसकी जो अप्रोक्सीमेट साइज कितनी होती है, 100 to 200 nm होती है किसके अंदर, डायमीटर के अंदर. और हर्पीज वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, लाइनर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. यानी जेनेटिक मटेरियल इज कंसिस्ट ऑफ लाइनर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. नेक्स्ट देखिए रेजिस्टेंट चोन बाय हर्पीज वायरस, यानी क्या है हर्पीज जो वायरस है वो किसके मतलब किसके विपरीत होते हैं, किसके विरोधी होते हैं, यानी कौन सी ऐसी चीज होती है जिसके विपरीत क्या वो रिएक्शन शो नहीं हो नहीं करते. तो देखिए हर्पीज वायरस आर ससेप्टिबल टू फैट सॉल्वेंट लाइक एल्कोहल ईथर क्लोरोफॉर्म एंड बाइल सॉल्ट. यानी हर्पीज वायरस जो होते हैं वो किसके ससेप्टिबल होते हैं यानी किसके प्रति एक्टिवेट होते हैं, यानी फैट सॉल्वेंट के प्रति क्या है वो एक्टिवेट होते हैं. और फैट सॉल्वेंट सॉल्वेंट जो है फैट को घुलनशील जो है वो कौन से हैं, यानी अल्कोहल हो गया, इतर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया और बाइल साल्ट्स हो गए. नेक्स्ट देखिए दे हैव हीट लेवल एंड मस्ट बी स्टोर्ड एट -70 डिग्री सेल्सियस. और वो क्या है इसके प्रति लेवल होते हैं एंड मस्ट बी स्टोर्ड एट -70 डिग्री सेल्सियस. वो क्या है हीट के प्रति तो लेवाइल होते हैं और -70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उनको क्या है स्टोर कर सकते हैं. तो एक बार शुरू से देखिए कि मॉर्फोलॉजी ऑफ हर्पीज वायरस, यानी हर्पीज वायरस की मॉर्फोलॉजी क्या है, अपन उस कैसी संरचना से अपन क्या उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं उसको, यानी कौन सी चीजें उसको दिखाई देती है, कौन सी स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट होती है जिससे अपन क्या हर्पीज वायरस का पता लगा सकते हैं. तो देखिए हर्पीज वायरस इज स्फेरिकल एंड एनवेलप्ड वायरस कंटेनिंग इकोसेट्रल कैप्सिड. यानी हर्पीज वायरस की उनकी
स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल, और वो क्या है कैप्सिड से कंपोज होती है, यानी उनके ऊपर क्या है आवरण यानी कोटिंग प्रेजेंट होती है, और कैप्सिड की स्ट्रक्चर कैसी होती है इकोसेट्रल। द कैप्सिड इज कंपोज ऑफ 162 कैप्सोमर, और जो उनके ऊपर कैप्सिड प्रेजेंट होता है वो किससे कंपोज होता है, किससे मिलकर बना होता है, तो 162 कैप्सोमर से मिलकर बना होता है, यानी क्या है 162 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है, यानी प्रोटीन की जो बैंड है, यानी प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो कितने होते हैं 162, यानी 162 प्रेजेंट होते हैं। एंड एनवेलप कैरी सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, और उनकी जो एनवेलप होती है उसके ऊपर क्या है स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं, कांटे जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर क्या मिलता है ग्लाइकोप्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट देखिए साइज क्या होता है इस वायरस का, 100 to 200 नैनोमीटर इन डायमीटर, यानी क्या है जो साइज होता है हर्पीस वायरस का वो क्या होता है 100 to 200 नैनोमीटर होता है, और हर्पीस वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है लाइनर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी क्या है लाइनर डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या है हर्पीस वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए रेजिस्टेंट जोन बाय हर्पीस वायरस, यानी हर्पीस जो वायरस है वो किस चीज के अकॉर्डिंग, किस चीज के क्या है सामने क्या है वो विरोध प्रेजेंट करते हैं, यानी किस चीज के सामने वो रिएक्शन शो नहीं करते हैं। हर्पीस वायरस आर ससेप्टिबल टू फैट सॉल्वेंट, यानी हर्पीस वायरस जो है वो फैट के अकॉर्डिंग क्या है जो फैट को घुलनशील कर देते हैं, फैट को सॉल्वेंट करते हैं, उनके प्रति क्या होते हैं ससेप्टिबल होते हैं, यानी एक्टिवेट होते हैं, और वो क्या है लाइक है जैसे एल्कोहल है एक तरह क्लोरोफॉर्म एंड पाइरसाइट, वो क्या है उसको सॉल्व कर सकते हैं। दे आर हीट लेबाइल, कैसे होते हैं हीट लेबाइल होते हैं, और क्या उनको स्टोर किया जा सकता है -70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। नेक्स्ट देखिए हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, यानी हर्पीस के अंदर जो सिंप्लेक्स वायरस होता है सबसे सिंपल वायरस जो होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और वो क्या क्या कोज करता है, वो कौन सी इन्फेक्शन कोज करता है। तो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस कोज द मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन इन ह्यूमन एंड वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हर्पीस जो सिंप्लेक्स वायरस होता है वो क्या कोज करता है, यानी क्या है वो वायरल इन्फेक्शन कोज करता है किसके अंदर ह्यूमन के अंदर। वायरल इन्फेक्शन का मतलब क्या है वायरस से रिलेटेड इन्फेक्शन एंड वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, और वो क्या है पूरी दुनिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है, यानी पूरी दुनिया के अंदर स्प्रेड है फैला हुआ है। नेक्स्ट द हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस इज ऑफ टू टाइप, और जो सिंप्लेक्स वायरस है वो क्या है दो प्रकार का है हर्पीस वायरस, इसमें देखिए एचएसवी टाइप फर्स्ट, यानी अगर क्या है हर्पीस वायरस सिंप्लेक्स जो वायरस उसको फर्स्ट टाइप देखें वो किससे रिलेटेड है, तो ह्यूमन हर्पीस वायरस टाइप फर्स्ट और एचएसवी टाइप फर्स्ट, यानी ह्यूमन हर्पीस वायरस टाइप फर्स्ट है वो किससे रिलेटेड है एचएसवी टाइप फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए ह्यूमन हर्पीस वायरस टाइप सेकंड, यानी ह्यूमन हर्पीस वायरस टाइप सेकंड एचएसवी टाइप सेकंड। देखिए नीचे हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस टाइप फर्स्ट इज कॉजली एसोसिएटेड विद पोर्टल एंड ocular lesion, while type 2 is responsible for the majority of genital infection, यानी herpes जो first virus simplex virus है वो क्या है या तो oral lesion cause करता है घाव cause करता है, यानी जो अपना क्या है food से related जो material है यानी GTI है gastric tract infection है उनसे related क्या infection cause करता है, और जो type 2 है वो क्या है genital area से यानी लैंगिक area से related इन्फेक्शन कोज करता है। तो देखिए हर्पीस सिंपल वायरस इज हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस टाइप फर्स्ट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद ओरल एंड अकर लीजन, यानी वो क्या है ओरल यानी क्या है माउथ से रिलेटेड जो जीटीए तक एनएस तक जो ऑर्गन है उनके अंदर क्या है लीजन कोज करता है घाव कोज करता है।
यानी क्या है, कोई चोट पहुंचाता है। वही टाइप सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजोरिटी ऑफ जेनाइटल इन्फेक्शन। और जो हर्पीज वायरस सिम्प्लेक्स वायरस का जो टाइप सेकेंड है, दूसरा जो पार्ट है वो किसके अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, जेनाइटल इन्फेक्शन कॉज करता है। तो एक बार शुरू से देखिए कि हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस कॉज द मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन इन ह्यूमन, यानी हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है वो किसके अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, मोस्टली ह्यूमन के अंदर। पर वो क्या है, वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। तो द हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस इज ऑफ टू टाइप, यानी हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है वो क्या है, दो प्रकार का है। एचएसवी यानी हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप फर्स्ट, तो ह्यूमन हर्पीज वायरस टाइप फर्स्ट, और एचएसवी टाइप फर्स्ट यानी जो किससे रिलेटेड है, यानी जो क्या है ह्यूमन के अंदर क्या है, ओक्यूलर या फिर क्या है जो ओरल रूट से रिलेटेड है। हर्पीज टाइप सेकेंड यानी ह्यूमन हर्पीज टाइप सेकेंड, और एचएसवी टाइप सेकेंड यानी ह्यूमन के अंदर जो हर्पीज वायरस है उसका प्रकार क्या है, दूसरा, और जो किससे रिलेटेड है, यानी दूसरे ह्यूमन हर्पीज वायरस से रिलेटेड है। देखिए नीचे, यानी हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप फर्स्ट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द ओरल ऑक्यूलर रीजन, यानी ह्यूमन के अंदर हर्पीज वायरस फर्स्ट है वो किससे रिलेटेड होता है, ओरल या ऑक्यूलर रीजन से रिलेटेड होता है, यानी माउथ से लेकर एनस तक का जो सिस्टम है, यानी जीजी गैस्ट्रिक ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन होता है, यानी फूड से रिलेटेड, फूड का डाइजेशन होता है यानी जिसका अब्जॉर्प्शन होता है, उससे रिलेटेड जो रीजन होते हैं वो किससे किसके अकॉर्डिंग होते हैं, ह्यूमन हर्पीज सिम्प्लेक्स फर्स्ट से अकॉर्डिंग होते हैं। वही टाइप सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजोरिटी ऑफ जेनाइटल इन्फेक्शन, और जो दूसरा प्रकार का हर्पीज वायरस है वो किससे रिलेटेड है, यानी जो जेनाइटल एरिया के अंदर इन्फेक्शन होता है उससे रिलेटेड है, यानी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट देखिए, एक बार शुरू से
यानी एसएसवी टाइप फर्स्ट कोजिन, यानी हर्पीज वायरस सिंप्लेक्स वायरस जो है वो टाइप फर्स्ट जो है उसका कौन से इंफेक्शन कोज करता है? एक्यूट इंफेक्शन ही माउथ, यानी माउथ के अंदर, मुंह के अंदर क्या खतरनाक इंफेक्शन कोज करता है, जैसे माउथ अल्सर हो गया, माउथ ब्लीडिंग हो गई, वो क्या है कोज करता है। नेक्स्ट देखिए हर्पीज लेबिलियस, यानी क्या है, यानी माउथ से रिलेटेड, माउथ के लिप्स जो है उनके अराउंड यानी उनके चारों तरफ जो इंफेक्शन कोज करता है वो क्या है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। तो दूसरा देखिए नेक्स्ट कैरेटी कैरेटो कंजक्टिविस, यानी जो कंजक्टिवा होती है उसके चारों तरफ क्या इंफेक्शन कोज करता है, एनसेफेलाइटिस, यानी क्या है ब्रेन का जो पाइट होता है एनसेफेलाइटो उसके अंदर क्या है इंफ्लामेशन कोज कर देता है, सूजन कोज कर देता है। नेक्स्ट देखिए एचएसवी टाइप सेकंड कोजेस, यानी हर्पीज वायरस सेकंड जो है वो कौन से इंफेक्शन कोज करता है? तो देखिए वो जेनाइटल एरिया के अंदर इंफेक्शन कोज करता है, प्लेनाइटल और हेथ, यानी क्या है न्यूली जो बर्थ यानी नया जो बच्चा जन्म लिया है उसके अंदर क्या इंफेक्शन कर सकता है, एसेप्टिक मेनिनजाइटिस यानी ब्रेन से रिलेटेड यानी ब्रेन के अंदर सूजन वगैरह क्या है वो कोज कर सकता है। पैथोजेनेसिस ऑफ हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, यानी उससे रिलेटेड जो डिजीज है वो कौन सी कोज करता है, उसकी पैथोजेनेसिस यानी रोगाणु कौन से हैं, देखिए वो किस तरीके से स्प्रेड होता है यानी फैलता है। द सोर्सेस ऑफ इंफेक्शन आर सलाइवा, स्किन लेजन और रेस्पिरेटरी सिक्रेशन। प्राइमरी इंफेक्शन इज यूजुअली एक्वायर्ड इन अर्ली चाइल्डहुड बिटवीन 2 to 5 years of age, and the sources of infection, and infection को जो फैलाने वाले सोर्स है यानी किस तरीके से वो स्प्रेड होता है फैलता है तो वो क्या है सलाइवा है यानी लार है, स्किन लीजन्स यानी अपनी स्किन के अंदर जो लीजन्स होते हैं घाव होते हैं वो है, रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस है यानी अपनी जुकाम के अंदर छींक वगैरह आती है, ड्रॉपलेट्स है या फिर अदर जो सिक्रेशंस होते हैं वो क्या है, वो क्या है उसको स्प्रेड करते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन इज यूजुअली एक्वायर्ड इन अर्ली चाइल्डहुड, और जो प्राइमरी पहला जो इन्फेक्शन होता है वो क्या है सबसे पहले बचपन के अंदर होता है, एक्वायर्ड इन दी अर्ली चाइल्डहुड यानी सबसे पहले किसके अंदर होता है बचपन के अंदर, बिटवीन 2 to 5 ईयर ऑफ एज यानी 2 से 5 साल की एज के बीच में। नेक्स्ट देखिए ट्रांसमिशन अकर बाय क्लोज कॉन्टैक्ट बाय मे बी, यानी जो ट्रांसमिशन होता है किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर हर्पीज वायरस होता है वो क्या है एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने से फैलता है, यानी एक दूसरे के संपर्क में आते हो आने से फैलता है। वेंड्रल इन जेनाइटल हर्पीज, और जो जेनाइटल हर्पीज होता है यानी जो लैंगिक हर्पीज होता है एचएसवी टाइप सेकंड यानी हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस सेकंड जो है वो किस तरीके से फैलता है, किस तरीके से फैलता है यानी जेनाइटल फ्लूइड जो होते हैं उनके कॉन्टेक्ट में आने से फैलता है। नेक्स्ट वायरस इंटर थ्रू डिफेक्ट इन स्किन, यानी जो अपनी स्किन है यानी आउटर जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर कहीं पे लीजन है घाव है वहां पे अगर क्या है वायरस से रिलेटेड कोई कंटामिनेटेड चीज अगर क्या टच होती है तो क्या है वायरस फैल जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन एंड मल्टीप्लाई लोकली, और जहां पे ये इन्फेक्शन कॉज करता है म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर वहीं पे क्या है मल्टीप्लीकेशन कॉज करता है, वहीं पे क्या है फैलता है, ये नहीं कि आगे स्प्रेड हो जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। देखिए पैथोजेनेसिस ऑफ हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, द सोर्सेस ऑफ इंफेक्शन आर सलाइवा, स्किन लेजन और रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, यानी कौन से सोर्सेस हैं स्रोत हैं जो क्या इसको फैलाने का काम करते हैं, तो एक तो क्या है सलाइवा हो गया यानी लार ग्रंथि हो गया, लार हो गया यानी स्किन लीजन हो गया यानी अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्किन के अंदर आउटर स्किन के अंदर लीजन होते हैं घाव होते हैं वो हो गया,
रेस्पिरेटरी सिचुएशन यानी स्नीजिंग के टाइम पे या फिर अदर कंडीशन में कफिंग के टाइम पे क्या है जो ड्रॉपलेट एयर स्प्रेड होती है वो क्या इसको फैला सकती है। नेक्स्ट प्राइमरी इन्फेक्शन इज यूजुअली एक्वायर्ड इन अर्ली चाइल्डहुड और जो इससे रिलेटेड सबसे पहला इन्फेक्शन होता है वो क्या बचपन में होता है बिटवीन 2 to 5 ईयर ऑफ एज यानी जो 2 से 5 साल की उम्र में होता है। ट्रांसमिशन आकर बाय क्लोज कॉन्टेक्ट में भी और जो क्या है ट्रांसमिशन जो है इसका फैलना जो है क्लोज कॉन्टेक्ट के द्वारा हो सकता है यानी अपन क्या एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो क्या है हर्पीज वायरस का स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट विनेरल इन जेनाइटल हर्पीज और क्या जेनाइटल जो हर्पीज होती है यानी सेकंड टाइप की जो हर्पीज होती है वो जेनाइटल फ्लूड के कॉन्टेक्ट में आने से फैलती है। नेक्स्ट वायरस एंटर थ्रू डिफेक्ट इन स्किन और क्या है जिस जगह पे क्या है अपने स्किन भी डिसइंफेक्टेड है तो जिस जगह चोट लगे वहां पे अगर कोई वायरस से रिलेटेड कोई कंटेक्ट टच करता है फैलता तो उस टाइम पे क्या हर्पीज वायरस हो सकता है। नेक्स्ट म्यूकोस मेम्ब्रेन एंड मल्टीप्लाई लोकली जिस जगह पे जिस जगह म्यूकस मेम्ब्रेन वायरस एंटर करता है वहां पे वो ग्रोथ करता है मल्टीप्लाई करता है लोकली यानी वहीं पे वो स्प्रेड होता है यानी हर्पीज वायरस एक दूसरी जगह पे फैल जाता है। डायरेक्टली पता लगा सकते हैं उसका द
रैपिड डायग्नोस्टिक मेथड जो टेलेंट स्मियर है उसके उस तरीके से अपन जल्दी से जल्दी पता लगा सकते हैं, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड गैस सेल्स विद पैक्टेड न्यूक्लियस एंड होमोजीनियसली स्टैंड या ग्राउंड ग्लास क्रोमेटिन कन्फर्म विद हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। यानी जो क्या है, यानी ऐसी सेल जो क्या है मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या है डेड सेल, यानी जो क्या डिवीजन शो कर रही है या फिर क्या है जो सीधा क्या है डायरेक्ट सेल के न्यूक्लियस पे परफॉर्मेंस शो कर रहा है, यानी उसके न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर मटेरियल है क्रोमेटिन के ऊपर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है वो किसके रिलेटेड है हर्पीज वायरस से रिलेटेड हो सकता है, यानी वो हर्पीज सिंप्लेक्स इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर सकता है। नेक्स्ट देखिए आइसोलेशन ऑफ वायरस, यानी वायरस से रिलेटेड आइसोलेशन, यानी उसको एकांत में कैसे रखें उसको आइसोलेटेड, यानी ग्रोथ किस तरीके से करवा सकते हैं। वायरस कैन बी आइसोलेटेड ऑन द ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट, यानी वायरस को अपन किस तरीके से आइसोलेट कर सकते हैं ह्यूमन की जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है उनके ऊपर आइसोलेट कर सकते हैं, एंड ह्यूमन आई एम्ब्रियोनिक किडनी और ह्यूमन की जो एम्ब्रियोनिक किडनी है यानी भ्रूण की जो किडनी है उसके ऊपर आइसोलेट कर सकते हैं, और ह्यूमन एमनियन एटीसी यानी ह्यूमन की जो एमनियन सेल है उसके ऊपर यानी कि उसको ग्रोथ करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डायग्नोसिस कैन बी कंफर्म्ड बाय इम्यूनोफ्लोरोसेंस स्कैनिंग और इन्फेक्टेड सेल कल्चर, और ये जो डायग्नोसिस है यानी अपन क्या उस वायरस को ग्रोथ करवा के देखते हैं वो किसके द्वारा कंफर्म की जाती है, यानी इम्यूनोफ्लोरोसेंस स्कैनिंग के द्वारा कंफर्म की जाती है, और क्या इन्फेक्टेड जो सेल कल्चर है उसके द्वारा कंफर्म की जाती है। नेक्स्ट देखिए सीरोलॉजी, यानी क्या किसी पेशेंट का सीरम लेके उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो क्या होता है, तो वायरस स्पेसिफिक IgM यानी इम्यूनोग्लोबुलिन M जो एंटीबॉडी है कैन बी डिटेक्टेड इन सीरम। अगर अपन क्या स्पेसिफिकली अर्ली यानी जल्दी से जल्दी कोई डायग्नोस्टिक करते हैं किसी पेशेंट से रिलेटेड उसके अंदर क्या है स्पेसिफिक IgM इम्यूनोग्लोबिन M क्या एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है उसके खिलाफ। नेक्स्ट देखिए PCR, इट कैन बी यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस इन DNA CSF, यानी CSF के अंदर क्या हर्पीज CSF वायरस जो होता है उससे रिलेटेड क्या DNA मटेरियल मिलता है। तो आइसोलेशन के अंदर देखिए यानी किसी वायरस को अगर इनोकुलेट करवा के देखें तो उसको कैसे करवा सकते हैं, तो ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट के अंदर इनोकुलेट करवा सकते हैं, यानी ह्यूमन की जो एम्ब्रियोनिक किडनी होती है उसके अंदर इनोकुलेट करवा सकते हैं, या ह्यूमन इम्यून होती है उसके अंदर इनोकुलेट करवा सकते हैं ग्रोथ करवा सकते हैं, और जो डायग्नोसिस है यानी किस तरीके से डायग्नोसिस है वो किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं पता लगा सकते हैं, तो इम्यूनोफ्लोरोसेंस स्कैनिंग के द्वारा पता लगा सकते हैं, और इन्फेक्टेड सेल के द्वारा उसको कल्चर करवा के ग्रोथ करवा के पता लगा सकते हैं। वायरस स्पेसिफिक IgM एंटीबॉडी कैन बी डिटेक्टेड इन सीरम, यानी क्या है HSV यानी हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के अकॉर्डिंग IgM जो एंटीबॉडी डेवलप होती है सबसे पहले उसको डिटेक्ट करवा के पता लगा सकते हैं एलाइजा के द्वारा। PCR के अंदर क्या है उसका जेनेटिक जो मटेरियल होता है DNA उसको डिटेक्ट कर सकते हैं CSF के अंदर। तो एडिनो वायरस इज
70 to 75 नैनोमीटर इन डायमीटर। एडीनो वायरस जो होते हैं उनकी जो मॉर्फोन होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो किससे रिलेटेड होती है, कितनी होती है, तो 70 से 75 नैनोमीटर होती है डायमीटर के अंदर विद इकोसेड्रल कैप्सिड। और वो कैसी होती है, उसके ऊपर कैप्सिड आवरण कैसा होता है, इकोसेड्रल शेप का होता है और कंटेनिंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और इसके अंदर क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। एंड उनके अंदर ऊपर जो कैप्सिड होता है डीएनए के ऊपर, वो कैसा होता है, इकोसेड्रल शेप के अंदर होता है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ 292 कैप्सोमर, उसके अंदर जो आवरण होता है वो किससे बना होता है, 292 कैप्सोमर से बना होता है। एक बार शुरू से देखिए, एडीनो वायरस यानी एडीनो जो वायरस है वो कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, एडीनो वायरस फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो कैसे होते हैं, नॉन एनवलप यानी उसके ऊपर कोई भी आवरण प्रेजेंट नहीं होता। उनकी सिमेट्री यानी सममिति कैसी होती है, इकोसेड्रल। उनके अंदर जेनेटिक जो मटेरियल है वो कैसा प्रेजेंट होता है, डीएनए वायरस यानी डबल स्ट्रैंडेड यानी डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड क्या उनमें प्रेजेंट होता है। मॉर्फोलॉजी के अंदर देखिए तो एडीनो वायरस की जो स्ट्रक्चर है उसका डायमीटर कितना होता है, 70 to 75 नैनोमीटर। और वो क्या है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो किसके द्वारा कंपोज होता है, किसके द्वारा ढका होता है, कैप्सिड के द्वारा घटा होता है यानी ढका होता है। और उसकी सिमेट्री कैसी होती है, कैप्सिड की इकोसेड्रल सिमेट्री होती है। और कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ 292 कैप्सोमर, और ये जो कैप्सिड है वो किससे बना होता है, 292 कैप्सोमर से यानी 292 पॉलीपेप्टाइड से बना होता है। नेक्स्ट देखिए, एडीनो वायरस का जो ट्रांस एमिनेशन होता है यानी जो फैलते किससे हैं, किस तरीके से वो फैलते हैं, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एडीनो वायरस यानी एडीनो वायरस का ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है, तो एडीनो वायरस इन्फेक्शन ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डायरेक्टली बाय यानी एडीनो जो वायरस है वो एक दूसरे पर्सन से क्या डायरेक्टली फैलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एरोसोल ड्रॉपलेट्स यानी जो क्या है, रेस्पिरेटरी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, अपन स्नीजिंग टाइम पे, छींक के टाइम पे जो ड्रॉपलेट्स स्प्रेड करते हैं, या कफिंग टाइम पे यानी खांसी के टाइम पे जो ड्रॉपलेट्स स्प्रेड करते हैं, उसके द्वारा क्या है ये फैल सकता है, फीको ओरल रूट यानी ओरल जो रूट होता है यानी माउथ के द्वारा रूट होता है, या फिर फिटर यानी जीटीआई जो गैस्ट्रिक ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जो रूट होता है उसके द्वारा ये फैल सकता है। नेक्स्ट कंटामिनेटेड फिंगर के द्वारा भी क्या है, फैल सकता है। देखिए शुरू से क्या है, अपने जनरल कॉन्टैक्ट के अंदर द्वारा या पर्सन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आता है उसके द्वारा फैल सकता है, अपनी जो ड्रॉपलेट होती है स्नेकिंग की उसके द्वारा फैल सकता है, फिकोरल जो रूट होता है यानी क्या है, अपने जो फिकल मटेरियल एक्सक्रीट किया जाता है, एक्सक्रीट किया है ह्यूमन बॉडी से, उसके द्वारा फैल सकता है, कंटामिनेटेड फिंगर के द्वारा, कंजक्टिवा इन्फेक्टियस कंजक्टिवा यानी आंखों के अंदर जो पुतली होती है उसको टच किया उसके द्वारा भी फैल जा सकता है। नेक्स्ट देखिए पैथोजेनेसिस यानी एडीनो वायरस को अपन डिटेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। एडीनो वायरस कैन इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेट इन एपिथेलियल सेल्स यानी एडीनो वायरस जो है किसको इन्फेक्ट करता है, सबसे पहले एपिथेलियल सेल्स को इन्फेक्ट करता है, और रेप्लिकेट यानी मल्टीप्लीकेशन जो है वो बढ़ता है, उसकी ग्रोथ किस तरीके से करता है, किसमें करता है, तो एपिथेलियल सेल्स के अंदर करता है यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो एपिथेलियल सेल्स है उनके अंदर ग्रोथ करता है यानी श्वसन तंत्र की यानी लंग्स की जो रेस्पिरेटरी यानी एपिथेलियल जो सेल्स है उनके अंदर ग्रोथ करता है। नेक्स्ट देखिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, और वो किसमें ग्रोथ करता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर भी ग्रोथ शो करता है। नेक्स्ट देखिए यूरिनरी ब्लैडर एंड आईज, और जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है और आईज है
उनके अंदर भी ग्रोथ शो करता है आफ्टर एंट्री ऑफ एडिनो वायरस इनसाइड ह्यूमन बॉडी। यानी एंट्री के उपरांत ह्यूमन बॉडी के अंदर एंट्री करने के पश्चात ठीक है इट कैन मल्टीप्लाई इन एपिथेलियल सेल्स ऑफ कंजंक्टिवा। वो क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कंजंक्टिवा सेल्स होती है इसके अंदर उनके अंदर क्या है वो मल्टीप्लीकेशन करता है पेरिंग्स और स्मॉल इंटेस्टाइन अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एंट्री। और वो क्या है ह्यूमन बॉडी के जो लंग्स होते हैं उनके अंदर भी मल्टीप्लीकेशन कर सकता है क्या है और इंटेस्टाइन के अंदर जो क्या है एपिथेलियल सरफेस होती है उसके अंदर भी एंट्री यानी उसके अंदर भी मल्टीप्लीकेशन विभाजन कर सकता है। ये किसके ऊपर डिपेंड है उसके एंट्री के ऊपर डिपेंड है एंड देन स्प्रेड टू रीजनल लिम्फ नोड। और वो क्या है उसके बाद किसमें स्प्रेड हो जाता है लिम्फ नोड के अंदर स्प्रेड हो जाता है फैल जाता है। नेक्स्ट यूजुअली एडिनो वायरस डज नॉट स्प्रेड बियॉन्ड रीजनल लिम्फ नोड। और जो एडिनो वायरस है वो एक दूसरी लिम्फ नोड के अकॉर्डिंग क्या स्प्रेड नहीं होता यानी यहाँ से दूसरी लिम्फ नोड में स्प्रेड हो गया। नेक्स्ट एडिनो वायरस प्रोड्यूस थ्री टाइप ऑफ इन्फेक्शन। और जो एडिनो वायरस है वो तीन प्रकार के इन्फेक्शन को करता है देखिए जिसमें लाइटिक इन्फेक्शन हो गया यानी वायरस एक्टिवली रेप्लिकेट इनसाइड होस्ट सेल प्रोड्यूसिंग लाइटिक इन्फेक्ट या लाइटिक इफेक्ट कॉजिंग सेल डेथ एंड रिलीजिंग प्रोजेनेसी वायरस आफ्टर लोकल इन्फेक्शन वायरस में भी स्प्रेड और टू विसरल ऑर्गन। यानी लाइटिक जो इन्फेक्शन है उसकी जो सेल्स है उसके अंदर क्या है वो लाइटिक रेप्लिकेशन शो करता है और उस सेल को क्या कर देता है डेथ कर देता है किल कर देता है और वो क्या है आगे की सेल्स में स्प्रेड हो जाता है फैल हो जाता है और क्या है फैल जाता है यानी उससे रिलेटेड जो ऑर्गन है विसरल ऑर्गन है उनके अंदर स्प्रेड हो जाता है फैल जाता है। नेक्स्ट लेटेंट इन्फेक्शन यानी एडिनो वायरस हैज ए प्रॉपर्टी टू बिकम लेटेंट इन लिम्फोइड ऑर्गन सच एज टॉन्सिल एंड पेयर पेटेंट। लेटेंट इन्फेक्शन यानी एडिनो जो वायरस है वो क्या लिम्फ नोड के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है टॉन्सिल के अंदर भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट लेटेंट इन्फेक्शन क्या कैन बी रिएक्टिवेट इन पर्सन विद अंडरलाइंग इम्यूनिटी। और जो लेटेंट इन्फेक्शन है अगर क्या पूरी तरीके से वो क्या डिलेट नहीं हुआ पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ वो क्या है रिएक्टिवेट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन सर्टेन एडिनो वायरस यानी ग्रुप ए एंड बी कैन ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल इनटू कैंसरस सेल बाय एंटरिंग इंटर या इंटीग्रेटिंग वायरल डीएनए इनटू होस्ट डीएनए। ऑल थ्रू द ऑन्कोजेनिसिटी हैज बीन सीन इन ह्यूमन इंफेक्शन यानी ऑन्कोजेनिक जो ट्रांसफ्यूजन है वो क्या एडिनो वायरस के अंदर क्या है डीएनए क्या है एक दूसरी जगह से ट्रांसफॉर्म होने के बंदर या फिर क्या है कैंसर सेल्स के अकॉर्डिंग ट्रांसफ्यूज होने के अकॉर्डिंग भी फैल सकता है। और ये क्या है ह्यूमन इन्फेक्शन के द्वारा स्प्रेड हो सकता है फैल सकता है। नेक्स्ट देखिए लैब डायग्नोसिस अपन पता किस तरीके से लगा सकते हैं तो स्पेसिमेन देखिए इसका डिपेंडेंट अपॉन नेचर ऑफ इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन का नेचर क्या है उसके अकॉर्डिंग क्या है अपन क्या एडिनो वायरस से रिलेटेड स्पेसिमेन कलेक्ट कर सकते हैं। यानी थ्रोट स्वैब यानी कि गले के अंदर इन्फेक्शन है नेजोफेरिंजियल एस्पिरेट यानी कि फेरिंग्स के अंदर कोई इन्फेक्शन है कंजेक्टाइवल एस्पिरेट यानी कंजेक्टाइवा के अंदर कोई इन्फेक्शन है यानी कंजेक्टाइवल स्वैब यानी कंजेक्टाइवा के अंदर से अपन स्वैब कलेक्ट कर सकते हैं। यूरिन स्टूल बॉडी फ्लूड यानी यूरिन को कलेक्ट कर सकते हैं यानी यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन एडिनो वायरस का ब्लड से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन या फिर बॉडी फ्लूड से रिलेटेड इन्फेक्शन उनको कलेक्ट कर सकते हैं और उसकी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए माइक्रोस्कोपी तो इन सभी जो फ्लूड है ऊपर अपन ने देखिए उन सभी की माइक्रोस्कोपी किसके द्वारा कर सकते हैं अपन डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी यानी डायरेक्ट देखना चाहे तो वो किसके द्वारा देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा। और इन सभी फ्लूड के अंदर एंटीजन जो डिटेक्शन करना चाहिए यानी क्या है फेरिंग्स जो फ्लूड है उनके अंदर एंटीजन डिटेक्ट करना चाहिए स्वैब के अंदर या यूरिन के अंदर या ब्लड के अंदर कोई एंटीजन डिटेक्ट करना चाहे तो किसके द्वारा किया जा सकता है
एलाइजा के द्वारा यानी एंटीजन या फिर क्या है इम्यूनोसॉर्बेंट एलाइजा टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है, टीएसए टेस्ट के द्वारा भी डिटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए सीरोलॉजी और एंटीबॉडी डिटेक्शन, यानी सीरोलॉजी के अंदर क्या है एंटीबॉडी को डिटेक्ट करके पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए मॉलिकुलर टेक्निक, यानी मॉलिकुलर यानी न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट करके यानी पॉलीमरेज़ रिएक्शन पीसीआर और डीएनए प्रोब को डिटेक्ट करके पता लगाया जा सकता है। वायरस कल्चर के अंदर देखिए सेल लाइन को कल्चर करके अपन पता लगा सकते हैं एडीनो वायरस का, यानी सेल्स को कल्चर करके उसका पता लगाया जा सकता है। तो आपका नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो किसके ऊपर होगा आयरन वायरस के ऊपर, यानी राइबोस न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड जितने भी वायरस हैं उनको अपन क्या है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे कोरोना वायरस हो गया, हेपेटाइटिस वायरस हो गया, यानी हेपेटाइटिस बी को छोड़ के एक्सेप्ट जो वायरस है वो वायरस हो गए उनको क्या अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।